रमा देवी गुमसुम उदास बैठी कमरे की दीवार पर लगी तस्वीर को एकटक देख रही थी। एक साल पहले आज वही दिन था जिस दिन रवि के पापा एक दुर्घटना में परलोक सिधार गए थे। 35 वर्ष तक रेलवे में गार्ड के पद पर ईमानदारी से कार्य करते हुए कुछ महीनों बाद ही वे सेवानिवृत्त होने वाले थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। वह उनकी दूसरी पत्नी थी। उसकी बड़ी बेटी माया जो मात्र 10 वर्ष की थी जब वह इस घर में विदा होकर आई थी। रवि माया का छोटा भाई था। मम्मी क्या सोच रही हो, रमा देवी की बड़ी बेटी माया कमरे के अंदर आते हुए बोली। कुछ नहीं बेटी, तेरे पापा की याद आ रही है, कहकर रमा देवी सिसकने लगी। मम्मी रोना बंद करो, पापा की जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जांच टीम आई है, माया रमा देवी को समझाते हुए बोली। बेटी तू ही बता दे, जो पूछते हैं वो लोग, रमा देवी माया से बोली। नहीं मम्मी, नामिनी में तुम्हारा नाम डाला था पापा ने, इसलिए तुम्हें ही जवाब देना है, कहते हुए माया रमा देवी को साथ लेकर ड्राइंग रूम की ओर निकल पड़ी। 7 महीने बीत चुके थे। रमा देवी को बीमा के 30 लाख रुपए और रेलवे के फंड आदि के लगभग 25 लाख रुपए मिले थे जो उन्होंने अपने बैंक खाते में जमा करा दिया था। मम्मी रेल विभाग से लेटर आया है, मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, रवि रमा देवी की तरफ देखते हुए चिंतित होते हुए बोला। परेशान क्यों हो बेटा, तुम जाओ, तेरे पापा आज नहीं है, मगर उनकी यही इच्छा थी कि तू एक दिन लोको पायलट बने। अब उनके न रहने पर तुम्हें यह मौका खुद ही मिल रहा है, इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने पापा की इच्छा पूरी करो, कहकर रमा देवी खामोश हो गई। मगर मम्मी तुम अकेले कैसे रहोगी, रवि परेशान होते हुए बोला। मैं अकेले कहाँ हूँ बेटा, तुम्हारी दीदी और जीजाजी है ना, जब तक तू वापस नहीं आएगा तब तक मैं तेरी दीदी को यहाँ रोक लूँगी, जब तुम जाने की तैयारी करो, रमा देवी रवि को समझाते हुए बोली। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी इच्छा, कहकर रवि सफर की तैयारी करने लगा। रवि के जाने के 2 दिन बाद रमा को बैंक जाना था। बेटी और दामाद घर पर रुके हुए थे। माया बेटी चलो मेरे साथ बैंक से कुछ रुपए निकालने हैं, रमा देवी माया से बोली। अरे मम्मी आप बैंक के चक्कर में क्यों काटती हैं, आपने चेक नहीं ली क्या बैंक से, बड़ा आसान होता है, बस आप साइन करती हैं ना, करके मुझे दे दीजिए, जितना पैसा आपको चाहिए होगा मैं लाकर दे दूंगा आपको, आप क्यों परेशान होती हैं। माया का पति राकेश रमा देवी से बोला। ठीक ही तो कह रही है मम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं हम लोगों के रहते हुए, माया रमा देवी से बोली। है बेटा चेक भी है, मैं तो बस साइन कर लेती हूँ किसी तरह, रवि ही सब कुछ करता है, वही जानता है सब, रमा देवी राकेश से बोली। कोई बात नहीं मम्मी, जब तक रवि नहीं आता आप मुझे चेक साइन करके दे दिया करें, जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, राकेश रमा देवी से विनम्रता से बोला। मम्मी रवि नहीं है तो क्या, आपकी बेटी तो है ना आपके पास, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, कहकर माया रमा देवी से लिपट गई। 3 महीने बाद रवि घर वापस लौट रहा था। उसे उसकी मम्मी ने फोन पर बताया था किस तरह उसकी गैर मौजूदगी में जीजा और दीदी ने उसकी मम्मी का ख्याल रखा था। उसके मन में अपनी दीदी और जीजा के लिए आदर भाव उत्पन्न हो रहा था। घर के बाहर उसकी मम्मी उसकी राह देख रही थी, वह बहुत खुश थी। मम्मी मैं आ गया लोको पायलट बनकर, कहते हुए रवि रमा देवी की बाहों से लिपट गया। मम्मी अब रवि आ गया है, आज शाम को हम लोग अपने घर जाएंगे, माया रमा देवी और रवि की ओर देखते हुए बोली। अरे दीदी कुछ दिन और रुक जाओ, अपने भैया को अपनी प्यारी दीदी और जीजा की सेवा का मौका मुझे नहीं दोगी क्या, रवि माया के चरण स्पर्श करते हुए बोला। रवि भैया बहुत काम है घर पर, अब तुम वापस आ गए हो इसलिए मुझे जाना होगा।
जब मेरी जरूरत होगी बुला लेना, मैं कोई दूर तो नहीं जा रही हूँ भैया, माया रवि को समझाते हुए बोली। ठीक है दीदी, जैसा आप सही समझे। रवि माया और राकेश का अभिनंदन करते हुए बोला। कुछ देर बाद माया और राकेश रमा देवी से विदाई लेकर जा चुके थे। रमा देवी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। रवि बेटा, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी जब तुम सकुशल ट्रेनिंग पूरी करके आओगे तब अखंड रामायण का पाठ और भंडारे का आयोजन करने की। बेटा, तुम पंडित जी से बात करके दिन और तारीख तय कर लो, रमा देवी रवि को दुलारते हुए बोली। ठीक है मम्मी, अभी पंडित जी से बात कर लेता हूँ, रवि उत्सुकता से बोला और बाहर निकल गया। मम्मी मम्मी, 3 महीने में 15 से ज़्यादा चेक बुक का क्या काम पड़ गया, रवि हैरान होते हुए रमा देवी से बोला। अरे बेटा, मैं बेटी दामाद का पैसा कैसे खर्च होने देती, इसलिए मैं तुम्हारे जीजा को चेक पर साइन करके दे देती थी, रमा देवी रवि को दुलारते हुए बोली। रवि हैरान था, वह बिना कुछ बोले रमा देवी का मोबाइल लेकर देख रहा था। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि किसी भी लेन देन का मैसेज मोबाइल से नदारद था। उसके मन में शंका के भाव उत्पन्न हो रहे थे, मगर वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उस समय वह कुछ दिन नहीं बोला। रवि के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह सुबह रमा देवी को बिना बताए मम्मी की पासबुक लेकर बैंक की ओर चल पड़ा। मम्मी, हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, माया दीदी और जीजा ने मिलकर हमारी भावनाओं को ठककर हमें धोखा दिया है, रमा देवी से कहते हुए रवि की आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे बेटा, तू रो क्यों रहा है, रमा देवी घबराते हुए बोली। मम्मी, माया दीदी और जीजा ने तुम्हारे खाते से 30 लाख रुपए निकालकर तुम्हारी ममता को छलकर तुम्हें धोखा दिया है, कहकर रवि खामोश हो गया। क्या माया और दामाद ने मुझे धोखा देकर 30 लाख रुपए निकाल लिए, रमा देवी तड़प उठी। उसका मन उसे झकझोर रहा था। क्या यह वही छोटी सी माया थी जिसे उसने माँ का प्यार दिया, सगी माँ से ज़्यादा पाल पोस कर बड़ा किया, रवि के पापा से किया वादा ईमानदारी से पूरा किया। कोई यह भी नहीं जान पाया कि माया रमा देवी की सौतेली बेटी है। रमा देवी गहरे अंधकार में डूब चुकी थी। मम्मी, मैं दीदी से बात करता हूँ, रवि गुस्साते हुए रमा देवी से बोला। नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम अपनी दीदी जीजा को रामायण में आने का निमंत्रण दे दो और कुछ मत कहना। आखिर वह तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारे पापा के पैसों में उसका भी हक बनता है, रमा देवी रवि को समझाते हुए बोली। रवि रमा देवी की बात सुनकर शांत हो गया। वह अपनी प्यारी माँ की किसी भी बात का उल्लंघन भूलवश भी नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद माया और राकेश रामायण में शामिल होने के लिए रवि के घर पहुंच चुके थे। रवि अपनी दीदी और जीजा को देखकर भी कुछ नहीं बोला। आओ माया बेटी, कैसी हो, कोई भूल हो गई थी क्या मुझसे, रमा देवी माया और राकेश की तरफ देखते हुए बोली। ठीक हूँ मम्मी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, माया झुंझलाते हुए बोली। मेरे पालन पोषण में कौन सी कमी रह गई थी बेटी, जो तुमने अपनी माँ को धोखा दिया, कहते हुए रमा देवी की आंखें भर आई। मम्मी, हमने कोई धोखा नहीं किया है, पापा के पैसों में मेरा भी हक था, मैंने अपना हिस्सा ले लिया है, इसमें कौन सी गलत बात है, माया व्यंगात्मक लहजे में बोली। माया बेटी, तुम्हें अपनी मम्मी और छोटे भाई पर विश्वास नहीं रहा, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहती, इस तरह धोखा फरेब करने की क्या जरूरत थी, रमा देवी अपने चेहरे पर ग्लानि का भाव दर्शाते हुए बोली। मम्मी, तुम राय का पहाड़ मत बनाओ, ऐसा होता तो तुम मुझसे कुछ नहीं कहती, मैंने अपने हिस्से का पैसा लिया है, यह कोई धोखाधड़ी चोरी नहीं है, माया चिल्लाते हुए बोली। ठीक है बेटी, तुमने अपना हिस्सा ले लिया है ना, और कुछ कमी रह गई है तो वो भी ले लो, मैंने कभी तुम्हें अपनी सौतेली बेटी नहीं समझा, रवि से ज़्यादा प्यार दुलार दिया तुमको, मगर आज तुमने यह जरूर साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, कहकर रमा देवी फूट फूट कर रोने लगी। रवि चुपचाप खड़ा माया और राकेश की तरफ घृणित दृष्टि से देख रहा था।
माया और राकेश चुपचाप घर से बाहर निकल गए।